राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम प्रकाश के साधन। आलेख हृदय नारायण सेठ का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। बच्चों, बात एक काली रात की है। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन धरती पर खूब रौनक हो रही थी। पता है किसकी? दिवाली की। हाँ, सब तरफ दिए ही दिए जल रहे थे, मोमबत्तियां जल रही थी, खूब पटाखे छुड़ाए जा रहे थे, खूब मिठाइयाँ मिठाइयाँ खाई जा रही थीं। उस अंधेरी काली रात में एक लालटेन गुस्से से अपना मुंह फुलाए बैठी थी। कहाँ बैठी थी? एक झोपड़ी में। लालटेन जल रही थी और गुस्से से कुछ कहती जा रही थी। असल में वो दीपक से नाराज थी। वो कह रही थी, न होता ये नन्ना दीपक, न होती उसकी ये शान, न होता ये नन्ना दीपक, न होती उसकी ये शान। हाँ, लालटेन का धुआं धीरे धीरे आसमान की तरफ उड़ा जा रहा था। पहले वो चंदा के पास पहुंचा और उससे बोला, तुम्हें पता है चंदा मामा, धरती पर एक दीपक रहता, उसने ऐसा उधम मचाया, सारी धरती पर वो छाया। तुम्हें पता है चंदा मामा, चंदा मामा। इसके बाद वो धुआं सूरज के पास गया और उससे भी कहा, सूरज बाबा, धरती पर एक दीपक रहता, उसने ऐसा उधम मचाया, सारी धरती पर वो छाया। तुम्हें पता है सूरज बाबा, सूरज बाबा। सूरज बाबा ये समझता है जैसे सारी धरती पर उजाला वही करता है, वो न हो तो सब और अंधेरा हो जाए। ये सुनना था कि सूरज का मुंह गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, अच्छा तो ये बात है, अभी उसको मजा चखाता हूं। बस फिर क्या था, सूरज धीरे धीरे बादलों में छिपने लगा। चारों तरफ बादल छा गए, खूब जोर से हवा चलने लगी। दिए की मुसीबत आ गई। लालटेन अब भी अपनी झोपड़ी में बैठी थी और ये सब तमाशा देखकर बहुत खुश हो रही थी।
लेकिन दिया बेचारा हवा और पानी से अपने को बचाकर भी चलने की कोशिश कर रहा था। ये लड़ाई बहुत देर तक चलती रही। इस तरह सुबह हो गई। धीरे धीरे सूरज निकला। सूरज ने एक नन्हा सा पौधा देखा। उसके सिर पर था एक सफेद सफेद सा फूल। उसने पौधे से पूछा, सुनो सुनो ओ प्यारे पौधे, नन्हे मुन्ने प्यारे पौधे, हमको अपना नाम बताओ। नन्हे मुन्ने प्यारे पौधे, नन्हे मुन्ने प्यारे पौधे। इस पर पौधा बोला, सूरज बाबा मैं कपास का पौधा हूँ, मुझसे दुनिया भर के कपड़े बनते हैं, और तो और नन्हे से दीपक की छोटी सी बाती भी मेरी ही रुई से बनती है। सूरज ने जैसे ही दिए का नाम सुना उसे और भी गुस्सा आया। सूरज को नाराज देखकर कपास का पौधा बोला, सूरज बाबा क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तब सूरज बोला, नहीं नहीं, हम तो दिए के हैं दुश्मन, दिए से है हमको लड़ना, हमको उसकी अकड़ मिटाने, हमको उसकी शान मिटाने। इस पर कपास का पौधा बोला, बाबा बाबा दिया तो है बिल्कुल सीधा, लगता है तुमको भड़काया। दिया तो है बिल्कुल सीधा, लगता है तुमको भड़काया। वो तो पूजा करता रहता अपनी गर्दन नीचे करके, वो तो पूजा करता रहता अपनी गर्दन नीचे करके। दिया तो है बिल्कुल सीधा, लगता है तुमको भड़काया। कपास के पौधे की ये बात सुनकर सूरज को बड़ी हैरानी हुई। उसने फिर पूछा, लेकिन वो लालटेन का धुआं तो कह रहा था, तुम्हें पता है सूरज बाबा, धरती पर एक दीपक रहता, उसने ऐसा उधम मचाया, सारी धरती पर वो छाया। तुम्हें पता है सूरज बाबा, सूरज बाबा। कपास के पौधे ने जैसे ही ये सुना वो खिलखिला कर हंस पड़ा और बोला, अरे बाबा मैं उसे खूब जानता हूँ, लालटेन के दिन अब खत्म होते जा रहे हैं, अब तो कहीं बिजली के बल्ब जलते हैं तो कहीं मोमबत्तियां जलती हैं, तभी तो लालटेने जलती कुड़ती रहती हैं। पर सूरज बाबा तुम उसके बहकाए में कैसे आ गए? बाबा तुम ही तो सबको दिन में रोशनी देते हो, तुम ना हो
तो रात को चंदा मामा न चमके और न ही धरती पर कुछ उगे। सूरज भी अब खिलखिला कर हंसा और बोला, नहीं नहीं कपास जी, ऐसी बात नहीं। मैं ही सारी धरती को प्रकाश देता हूँ, ये कैसे कह सकता हूँ? भाई, मैं शाम को छिप जाता हूँ, फिर तो दिए लालटेन बिजली के बल्ब ही रोशनी करते हैं। मैं अगर दिन भर चमकता हूँ तो रात में चांद चमकता है। वर्षा आंधी तूफान में दिया जलाना मुश्किल हो जाता है, तब लालटेन ही काम आती है। और आजकल तो लालटेन की जगह ज्यादातर बिजली के लट्टू ही प्रकाश देते हैं। सबकी अपनी अपनी जगह जरूरत है। तो बच्चों, लगी ना तुम्हें ये कहानी अच्छी? अच्छा, तो अब कुछ पहेलियां भी हो जाए तो कैसा रहेगा? हाँ दीदी, बहुत अच्छा। तो पहली पहेली है, उसकी पूंछ बड़ी निराली, उसकी पूंछ बड़ी निराली, गोरी चिट्टी बड़ी निराली, डूबी रहे पूंछ सागर में, सारी रात प्रकाश रहे, सारी रात प्रकाश रहे, सारी रात प्रकाश रहे। दीदी, कुछ अता पता बताओ ना। अरे भाई, अभी कहानी सुनी है ना, उसी में है इस पहेली का अता पता। हाँ दीदी, ये है दिया। बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल ठीक बताया, ये है दिया। अब तैयार हो जाओ, दूसरी पहेली बूझो। कभी भभकती धुआं छोड़ती, चलती रहती नहीं वो रेल। सुनो ध्यान से सुनो। कभी भभकती धुआं छोड़ती, चलती रहती नहीं वो रेल, बस है जलती ही रहती, जब तक रहता है उसमें तेल। लालटेन। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक बताया। तुम्हें तो पता ही है, जब हवा चल रही हो तब भी लालटेन जलती रहती है, क्योंकि वो चिमनी से ढकी रहती है। अब अगली पहेली पूछें? हाँ दीदी। अच्छा, रात सुलाए सुबह जगाए, रात सुलाए सुबह जगाए, जगह जगह वो फूल खिलाए, उसकी किरणों का उजियारा दूर भगा देता अंधियारा। हाँ, उसकी किरणों का उजियारा दूर भगा देता अंधियारा। सूरज। अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल ठीक। ये तो तुम्हें पता ही है कि हमको दिन में सूरज रोशनी देता है ना? और अब तो जगह जगह बिजली आ गई है, और जब कभी बिजली चली जाती है तो हम मोमबत्ती भी जलाते हैं।